मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग के साथ। आशा रखती हूँ कि आपने अपना कार्ड चूज कर लिया है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका फिजिकल अपियरेंस आपके लाइफ पार्टनर का, आपके भविष्य के लाइफ पार्टनर का फिजिकल अपियरेंस और पर्सनालिटी कैसी होगी। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपने अपना ऑप्शन चुन लिया है। और अगर आप टाइम स्टैम्प्स चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब अगर आपने पहला ऑप्शन चुना है, तो ये है पहला ऑप्शन। अब चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो इस ऑप्शन के लिए मुझे जो बातें यहां पर आ रही है, लेट मी शेयर विथ यू। सबसे पहले हम हम इस हर एक पर्सनालिटी के टाइप के बारे में, हम पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो स्त्रियां हैं, सबसे पहले जो स्त्रियां हैं उनके बाल मीडियम लेंथ के हो सकते हैं या फिर और ज्यादा लंबे भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम जो मर्द है उनके भी, वो भी अपने बाल शायद थोड़े लंबे रखना चाहे जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज्यादा लंबे। ओके, उसके साथ साथ आपको एक और बात बताऊं, जो मर्द होने वाले हैं वो शायद ज्यादा फेयर होंगे इस ग्रुप में। जो मर्द होने वाले हैं ये ऑप्शन के मर्द, वो थोड़े फेयर हो सकते हैं, इतने ज्यादा चमकीले और इतने ज्यादा फेयर भी नहीं, लेकिन कुछ नॉर्मली फेयर हो सकते हैं। और लड़कियां अगर है, इस ग्रुप की लड़कियां अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इतनी ज्यादा गोरी नहीं होंगी, या व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन या उससे थोड़ी ज्यादा डार्क हो सकती है, थोड़ा और ज्यादा सांवला रंग हो सकता है, लेकिन फिर भी दिखने में इनके जो फीचर्स हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं इनके फीचर्स। और अगर मर्द है तो मैं आपको कहूं कि दिखने में गोरे हैं और अच्छा उनका चेहरा भी इतना अच्छा है। प्लस ये ग्रुप के जो मेल और फीमेल्स दोनों हैं, इनकी हम पर्सनालिटी की बात करें तो इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि वो जहां पर भी जाते हैं हर जगह पर वो एक तरह से छा जाते हैं। ऐसा हम कहते हैं ना कि स्टीलिंग द अटेंशन, दुनिया के किसी भी कोने में ये चले जाए, हर तरफ बस सभी लोगों की नजरें इन्हीं पे होती है। कुछ इतने रैविशिंग होते हैं, इतने ज्यादा वो सिजलिंग होते हैं। ओके, इतने ज्यादा वो सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं हर बार। ओके, मेन जो है वो इतने ज्यादा दिखने में नॉर्मल भी हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन थोड़े गोरे होंगे, लेकिन जहां पर भी जाते हैं सी एक तरह की एनर्जी उनकी है कि इतनी करिश्मेटिक पर्सनालिटी है इनकी कि जहां पर भी जाते हैं सबकी नजर बस इन्हीं के ऊपर टिक जाती है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कमिंग। और एक और बात है इनका चलने फिरने का ढंग, उठने बैठने का ढंग कुछ ऐसा है कि ये बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं, कुछ भी ये धीरे धीरे नहीं कर सकते हैं। प्लस और इनकी एक और आपको अदा बताऊं तो ये चोरी छुपे आकर काम निपटाकर चले जाते हैं। चोरी छुपे आकर कहीं से भी उनको जाना है आना है तो वो बिल्कुल भी कहीं पर दिखना पसंद नहीं करते हैं, हर बार वो बस शांति से कहीं से साइड से चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इनको ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं, लेकिन ये भले है ऐसे कि हर तरह जाते हैं, हर तरफ जाते हैं तो लाइमलाइट उनके ऊपर ही बन जाती है, ये भले है, लेकिन बड़े मतलब ये कुछ ऐसे हैं कि इनको ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं है। वो चोरी छुपे कहीं से छुप छुप कर भी चले जाएंगे अगर इनको अटेंशन नहीं पाना है तो। ओके, इसके अलावा ये हेल्थ कॉन्शियस होंगे, ये जो है ये बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होंगे और कुछ भी अनशन कभी नहीं खाते, या कभी कभी खा सकते हैं, वो हम कहते हैं ना चीट डाइट, ऐसा कुछ खा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इनका डाइट बहुत अच्छी तरह से प्लान होता है। तो ये है इस ग्रुप के जो भी इंसान है वो सारे यहाँ पे हैं। अब चलिए देखते हैं ये दूसरा ऑप्शन, अगले ऑप्शन के साथ जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। तो इस ऑप्शन के जो लोग होने वाले हैं, सबसे पहले बताऊं कि मर्द हो या औरतें हो, ये हाइट में इतने ज्यादा नहीं होंगे। ओके, ये ना ही बहुत ज्यादा छोटे भी होंगे और ना ही बहुत ज्यादा लंबे होंगे, इनकी मीडियम हाइट होगी। और एक बात बताऊं कि मर्द जितने भी हैं इस ग्रुप में, इस ऑप्शन में,
तो ये बहुत ही अच्छे सिक्स पैक इनको बनाने अच्छे लगते हैं, जिम टाइप की पर्सनालिटी है। अब शायद इन्होंने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जिम में हार्ड वर्किंग है। ओके, तो ये हो गई इनकी फिजिकल अपियरेंस। और अगर और फीमेल्स जो है, लड़कियां जो है इस ग्रुप की, लड़कियों के बारे में हम बताएं तो लड़कियां जो है वो इतनी ज्यादा लंबी नहीं है, इतनी ज्यादा नाटी भी नहीं है, बस नॉर्मल हाइट की है। और लड़कियां बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है, बस एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है उनका। ओके, और बॉडी जो स्ट्रक्चर है लड़कियों का, इतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं हो सकता है, बस घरेलू टाइप की जो लड़कियां होती है उनके जैसा बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके साथ अब इनके बालों का रंग देखते हैं, तो लड़कियों के बालों का रंग डार्क हो सकता है और रेडिश से ब्राउनिश कलर या फिर ब्लैक टोन्स भी हो सकते हैं। अब तो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा लोग अपने हेयर कलर भी करते हैं, लेकिन आपको ऐसे हेयर कलर भी दिखाई देंगे उनके हेयर कलर में। फिर अगर लड़के हैं, अगर मेन है, तो उनके जो हेयर कलर है वो ब्रॉन्जी शेड्स, बहुत लाइट येलोइश से लेकर ब्राउनिश, जो फेडेड ब्राउन तरह के टोन्स होते हैं उससे लेकर थोड़े ब्लैकिश कलर के टोन्स के होंगे, और बहुत ज्यादा वार्म कलर नहीं लेकिन कूल कलर्स होंगे इनके बालों में। ओके, लड़के जो भी हैं उनके बाल। और एक और बात बताऊं, ये ग्रुप के जितने भी जो भी लोग हैं, ये ग्रुप के जो भी इंसान है, इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। ओके, इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि अगर कभी कभार अगर थक गए हैं तभी जाकर वो घर पे बैठे मिलेंगे, अदरवाइज दे आर ऑलवेज एक्सप्लोरिंग, हर बार वो घूमते रहते हैं। राइट, अगर घर ऑफिस से थक कर आए हैं तब वो घर में रहते हैं, लेकिन अगर थके नहीं है तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस उनके पास, वो सोच लेंगे कि चलो बाहर जाकर एक राउंड लगाकर आते हैं। तो ये लोग कुछ ऐसे होंगे। लड़कियां जो होंगी वो इतना ज्यादा सोशली हाँ, इनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन इनको हर बार बहुत ज्यादा लोगों का अटेंशन नहीं चाहिए। ये साइड पे बैठकर भी जो ऑप्शन है, जो सीन है, उसको एंजॉय कर सकती है। ओके, जो लड़के भी हैं इनको ज्यादा लाइमलाइट, आई डोंट से कि इनको लाइमलाइट पसंद नहीं है, लेकिन दे डोंट केयर। अगर बहुत ज्यादा इनको अटेंशन मिलता है फिर भी दे डोंट केयर, बट एट द सेम टाइम शायद इतना ज्यादा अटेंशन इनके फिजिकल अपियरेंस की वजह से इनको नहीं मिलता है। इनकी जो दूसरी क्वालिटीज है, इनकी जो बुद्धिमत्ता है उस पे उनको ज्यादा अटेंशन मिलता है। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बात करने की इनकी जो अदा है, वो अदा और ज्यादा ध्यान खींच ले, मन लुभा दे, ऐसी है। एट द सेम टाइम ये ग्रुप के जो भी इंसान है, ये ऑप्शन के जो इंसान है, ये बहुत ज्यादा पजेसिव भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो सकते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर के लिए। ओके, तो यस, ये है इसका ऑप्शन। और लड़कियां जो भी है वो बहुत ज्यादा घरेलू है, लड़कियां बहुत ज्यादा घर के कामों में इंटरेस्ट लेती हो वैसी है, और फैमिली ओरिएंटेड है। ओके, बहुत ज्यादा, नॉट टू मच ऑन द स्टाइलिश साइड, बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड और घरेलू लड़कियां हैं, लड़की है। ओके, अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन है ये, सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन दिस। ओके, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इंसान दिखाया जा रहा है, ये जो इंसान है, फेमिनिन क्वालिटीज देखते हैं, लड़कियों की जो क्वालिटीज है वो देखते हैं। अगर आपका फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, आपका फ्यूचर स्पाउस लड़की है, तो उसके लिए देखते हैं कि लड़कियां जो है, अगर सोशली, अगर सामाजिक तौर पर अगर उनको आप देखें, तो बहुत ज्यादा वेल ड्रेस्ड है, बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेसअप होकर जाना पसंद करती है। जरा भी मतलब उनका जो लेटेस्ट ट्रेंड्स जो होते हैं उसके हिसाब से उनका ड्रेसिंग सेंस होता है। बाल भी बहुत अच्छे से इनको रखना अच्छा लगता है। और जो घर, मतलब अगर घर में पार्टी अरेंज की है, तो ये जो लड़की होगी वो हमेशा कोशिश करेगी कि इंटीरियर्स बहुत अच्छे से सब अरेंज किया है, बहुत अच्छे से सब चीजें सेट की हुई है, जो पर्दे हैं मैचिंग है, ये वो सारे फर्नीचर बहुत अच्छे से रखा हुआ है। ये कोशिश करेगी कि हर एक चीज बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, राइट, और बहुत दिखने में बहुत सुंदर हो, घर भी और ये खुद भी। ओके, लड़कियां ऐसी होती है। और लड़कियों का एक फ्लिप साइड देखो, ये उनका सोशल साइड के, जो ये बाहर की दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर इनको घर पे देखो तो ये पजामा में होती है, पैजामा पहनकर अगर बैठी है तो आप उनकी पर्सनालिटी को पहचान नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा सिंपल एंड बिल्कुल केयर नहीं करती है कि जो ड्रेस पहना है वो मैच कर रहा है कि नहीं। जब वो when this person is all by themselves, okay, जब ये अपने खुद के साथ होती है तब,
और लेकिन जब ये सोशली सबको दिखाना जब होता है, सोशली सबके साथ पार्टी की होती है या फिर सोशली कहीं पर फंक्शन में जाना पड़ता है, तो ये लड़कियां सबसे बेस्ट ड्रेस्ड होती हैं। ओके, ये लड़की सबसे बेस्ट ड्रेस्ड है। और उसके बाद लड़कों की बात करें तो लड़के जो है, यू नो, लड़के जितने हैं तो लड़के कुछ ऐसे होंगे कि जो बहुत बहुत घरेलू है। ओके, बहुत घरेलू है, बहुत केयरिंग बंदा है ये। और ये जो बंदा है शायद दिखने में व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन, व्हीटिश और डार्क कॉम्प्लेक्शन के बीच में उसका स्किन टोन हो सकता है। लड़कियां थोड़ी फेयर हो सकती है, इस ग्रुप की लड़की फेयर हो सकती है, लड़का थोड़ा व्हीटिश से डार्क हो सकता है। और उसके बाद ये जो लड़का है, अगर आपका फ्यूचर पार्टनर लड़का है तो वो बहुत ज्यादा होमली पर्सन होगा, बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होगा, घर के कामों में मदद करना इनको अच्छा लगता है। प्लस जब भी आप डाउन फील करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा सहारा देते हैं, आपको भी बहुत ज्यादा इमोशनली सपोर्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे होंगे। प्लस यू नो, आपको एक और बात बताऊं कि ये पर्सनालिटी का जो इंसान है, इनका माइंड नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमेशा झूलता रहता है। कई बार बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, कई बार इतना पॉजिटिव हो जाएंगे कि आप शायद सोचने लग जाएंगे कि अरे माय गॉड, ये इंसान है क्या। और कई बार इतने ज्यादा नेगेटिव भी ये सोच सकते हैं कि आप खुद डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आप खुद चौंक जाते हैं कि अरे यार, ये वही इंसान है कि जो मुझे मिला है, या फिर ऐसा कुछ। ओके, सो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे अगर ये जब नेगेटिव सोचने लगते हैं तो ये कितने हद तक नेगेटिव सोच सकते हैं, राइट। तो ये हो गया पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस का। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके, अब देखते हैं ये नेक्स्ट ऑप्शन। अब अगर ये ऑप्शन आपने चुना है, देन वी आर गोइंग टू गेट इनटू दैट। अब यू नो, इस ऑप्शन की बात करूं तो जो लड़की है उसका ड्रेसिंग अप सेंस, वो अच्छे खासे कपड़े पहन लेती है, अच्छे खासे कपड़े मैच भी कर लेती है मान लीजिए। लेकिन एक बार वो ड्रेसअप होकर बाहर चली गई, एक बार ड्रेसअप होकर फंक्शन में चली गई, तो शी वॉन्ट केयर के ड्रेस अच्छा लग रहा है कि नहीं एंड तक। ओके, और वो कैसे उठेगी, कैसे बैठेगी, वो भी बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल उसका ध्यान नहीं है कि वो अपने आप को कैसे कैरी कर रही है। शी इज गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल। ओके, सो यस, दैट इज गोइंग टू बी देयर। और उसी के साथ साथ यू नो, आपको एक और बात बताऊं कि लड़की जो होने वाली है, ये जो लड़की है, ये जो लड़की है, ड्रेसिंग अप में मैंने कहा ना, जैसे वो बिल्कुल कॉमन है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल, नॉट एग्जैक्टली कॉमन। और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर वो कॉमन पब्लिक में कहीं पर खो जाए, मतलब ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि उसको हर बार अटेंशन चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी नहीं है वो लड़की की कि वो हमेशा चाहती है कि लोग उसे अटेंशन दे, उसकी तारीफ करे, भाई तूने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, तूने बहुत अच्छा मेकअप किया है। मेकअप का भी वो करने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकती है, वो बस अपने आप को बस अच्छे से ड्रेसअप और प्रेजेंटेबल वो लेकर जाए, उतना ही बहुत है। ओके, सो यस, उसके बाद लड़के की बात करते हैं। अगर ये ऑप्शन का लड़का हम देखते हैं तो लड़का जो है वो लड़की यू नो, थोड़ी बहुत नॉर्मल बॉडी साइज की हो सकती है और थोड़ी ज्यादा वेट की भी हो सकती है, नॉट एग्जैक्टली वेरी मच ऑन द हैवी साइड, लेकिन यस, थोड़ी नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर की हो सकती है। लेकिन यू नो, ये लड़की कुछ ऐसे होने वाली है कि जो अपने आप को बहुत डेलिकेटली वो कैरी करती है, जैसे कि यू नो, मतलब कुछ ऐसा हो गया, ओ माय गॉड, बहुत डेलिकेट है। और ये जो लड़की है वो इतनी ज्यादा एथलेटिक नहीं होगी। एथलेटिक मतलब कि जो लड़कियां बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कर सकती है, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, ये डेलिकेट साइड पे है। लड़के जो है, लड़के भी बहुत ज्यादा नॉट एग्जैक्टली एथलेटिक नहीं है, लड़के भी एथलेटिक पर्सन नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। लेकिन ये ग्रुप का जो इंसान है वो ज्यादा योगा, प्राणायाम और ताइची, कुछ स्लो मूवमेंट्स जो बॉडी की होती है, जुम्बा, एरोबिक्स, वो टाइप के लोग हैं ये। ओके, वो टाइप का इंसान है ये। और मर्द जो है, लड़का अगर है तो लड़का जो होगा वो पतला सा होगा, पतला मतलब बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, लेकिन नॉर्मल पतला होगा। और उसको ज्यादा ही डजंट केयर कि उसने शेव किया है कि नहीं, शेव नहीं भी किया है फिर भी अगर वो उसे कहीं पर जाना जरूरी है तो वो शेव किए बिना भी पहुंच जाएगा। उसके साथ आपको एक और बात बताऊं कि ये जो इंसान है, इनको बहुत ज्यादा, इनको जब ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, जब ये बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं, तब इनके लिए एक तरह का वेकेशन लेना बहुत जरूरी है। इनको वेकेशन लेना जरूरी है, थोड़ा शांति से अपने आप को अनवाइंड करना जरूरी है। प्लस ये टाइप का जो इंसान है,
ये भले आप इनका ड्रेसिंग सेंस देखो, ड्रेसिंग ड्रेसअप ड्रेसेस के जो कलर है वो इतने ज्यादा भड़कीले नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर ड्रेसिंग अप इनका इतना भड़कीला नहीं है फिर भी उनको अपने आसपास बहुत ज्यादा भड़कीले कलर्स रखने अच्छे लगते हैं, राइट। भड़कीले कलर्स, ब्राइट कलर्स वगैरह, राइट, ब्राइट कलर्स, लाइट कलर्स इनको अच्छे लगते हैं। और या तो ये हो गया ये पर्सनालिटी टाइप। एंड उसके बाद अगर ये लड़कियां जो है ये अपने बाल मीडियम लेंथ के रखना पसंद करती है, लड़के हैं वो केयर नहीं करते कि उनके बाल लंबे हैं कि नहीं, दे जस्ट वॉन्ट टू बी प्रेजेंटेबल। हाँ, जब उनकी जरूरत पड़ती है तब जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा सोचते नहीं कि चलो ड्रेस बराबर है कि नहीं, बाल मैंने बनाए हैं कि नहीं, ये ज्यादा नहीं सोचेंगे। सो दिस इज द ऑप्शन फॉर दिस ऑप्शन। ओके, तो ये हो गई पर्सनैलिटी इस ऑप्शन के लिए। तो अब चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है ये। तो अगर ये ऑप्शन आपने चुना है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब सबसे पहले इस ऑप्शन का इंसान जो है इसके बारे में एक बहुत बड़ी बात मेरे माइंड में आ रही है यहाँ पे कि ये ड्रेसिंग के बारे में इतना ज्यादा केयर नहीं करते, कैसे कपड़े पहने हैं, बाल अच्छे से बनाए हैं कि नहीं, शेव किया है कि नहीं, दे विल नॉट केयर। ओके, और लड़के स्पेशली कि जो बहुत ज्यादा कहीं पर भी जाना पड़े तो बिल्कुल देखेंगे नहीं कि बाल अच्छे से बनाए हैं कि नहीं, और फिर भी निकल पड़ेंगे। ओके, और लड़के अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचेंगे, और फिजिकल अपीयरेंस अगर इनका चेहरा देखो तो इतना ज्यादा कोई हीरो जैसा नहीं है, लेकिन नॉर्मल है। लेकिन सी, देखने में इनके लुक्स भी अच्छे हैं, मतलब ये भले अपने आप को इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं करते हो लेकिन इनका जो चेहरा है बहुत अच्छा मॉडल टाइप का भी हो सकता है। ओके, सेम चीज है लड़कियों के साथ भी। लड़कियों के बाल इतने ज्यादा लंबे भी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इतना ज्यादा ये अपीयरेंस के बारे में केयर नहीं करते, इतना ज्यादा ये फैशन सेंस वाले नहीं है, तो इसीलिए अगर इनको पता है कि बाल लंबे रखेंगे तो बहुत ज्यादा मदद उसमें टाइम जाया जा सकता है, तो बालों की लेंथ भी नॉर्मल रखेंगे। और इनके बाल काले हो सकते हैं, काले से लेकर ब्राउन के आसपास। और एक और बात, जब ये घर से बाहर निकलते हैं तब दे डोंट केयर के अच्छे ड्रेसअप हुए कि नहीं, घर के कपड़ों में भी ये बाहर निकल सकते हैं। और एक और बात, ये ग्रुप के जो लोग होने वाले हैं बहुत ज्यादा ये मनी माइंडेड होंगे, मनी ओरिएंटेड उनका माइंड होगा, बहुत ज्यादा ये गोल ओरिएंटेड होंगे कि चलो गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, गाड़ी इनको परफेक्ट चाहिए, जो लेटेस्ट ट्रेंड होती है वही उनको चाहिए, जितनी ये अफोर्ड कर सकते हैं उतनी, और बंगला भी कुछ ऐसा कि जो लेटेस्ट फैशन वाला जो बंगला है वही उनको चाहिए, और भले वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसमें जितना आ सकता है वही वो लेना पसंद करते हैं। और ये जो ऑप्शन है ये चीजों को ऑब्जर्व करने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर किसी चीज को वो हाथ में लेते हैं तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो ये हो गया इस पार्टनर के बारे में डिटेल्स। और उतना ही ये जो इनका ऑब्जर्वेशन का पावर है, वही ऑब्जर्वेशन पावर, वही ज्यादा इन डेप्थ जो वो स्टडी करते हैं, तो वो किताबें भी बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, और जो भी किताब पढ़ते हैं इन डेप्थ इनको बहुत ज्यादा चीजें उसके बारे में याद भी रहती है। ओके, सो दिस इज द ऑप्शन फॉर दिस। नाउ लेट्स गो अहेड विद दिस ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं इस ऑप्शन में यहां पर क्या हो रहा है। तो ये ऑप्शन का जो इंसान है इसके बारे में मैं आपको कहूं कि लड़की जो है उसके बाल लाइट कलर के हो सकते हैं, लड़का जो है उसके बाल डार्क कलर हो सकते हैं, और लड़की जो है वो ये लड़का है या लड़की, बिकॉज ये कोई भी आप जेंडर के है उसके लिए ओपन है, तो लड़का हो या लड़की इनको ज्यादा अपनी स्किन दिखाना अच्छा नहीं लगता, तो हमेशा ये लंबी स्लीव वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, गाउन भी पहनते हैं या फिर साड़ी पहनते हैं, या फिर कपड़े हमेशा मतलब उनका जो बॉडी है वो ढका रहता है। लड़के भी सेम है, लॉन्ग स्लीव वाले शर्ट्स पहनते हैं, और इतना ज्यादा इनका बॉडी शो ऑफ ना करे वैसे कपड़े ये पहनना पसंद करते हैं। प्लस इनकी एक बात आपको बताऊं कि ये गर्म दिमाग वाले भी हो सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा गर्म दिमाग वाले, अगर एक बार इनका माइंड किसी चीज से उठ गया तो नजरें फिरा लेंगे और बहुत ज्यादा आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज आप इसको देख सकते हैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है बंदा। ये पर्सनैलिटी जो है एक हद तक ये जो इंसान है वो
कई बार इनकी लाइफ में डबल माइंडेड हो जाते हैं, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, और ये दो ऑप्शन में वो कुछ इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं कि वो कई बार डिप्रेस भी हो सकते हैं इसकी वजह से। और उनको डिप्रेस ये हो जाए तो उनको भले ये डिप्रेस भी हो जाता है, लेकिन उनके मन में एक बहुत ज्यादा आशा की किरण भी होती है कि जिसमें ये बिलीव करते हैं कि हमेशा वो आशा रखते हैं, हमेशा वो पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि वो एक जीवन में ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखे। ओके, या इनको चाहते हैं कि ये पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखे, लेकिन दूसरी तरफ ये कई बार डिप्रेस भी हो जाते हैं, कई बार डबल माइंडेड हो जाते हैं और कई बार स्टक भी रहते हैं, कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि ये प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं जस्ट बिकॉज इनको पता नहीं कि आगे क्या करना चाहिए, तो ये हमेशा सोचते रहते हैं कि अरे यार करूं कि ना करूं, आगे बढ़ू कि अभी अभी नहीं कि बाद में बढ़ू। ओके, तो ये हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं। और इनको एनिमल्स काफी पसंद हो सकते हैं, ये ग्रुप की लड़कियां जो लड़की है वो उसको एनिमल अच्छे लग सकते हैं, और या अगर मर्द है उसको भी एनिमल का शौक हो सकता है। एट द सेम टाइम ये दिल के बहुत अच्छे हैं, भले मैंने जैसे बताया कि ये काफी एटीट्यूड वाले हैं और गर्म दिमाग के हैं, अगर इनको गुस्सा आ गया तो ये शायद आपको बहुत टाइम के बाद माफ करेंगे, तो अगर लेकिन वो है फिर भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये दिल के बहुत अच्छे हैं, राइट, और जहां पर भी जाते हैं सबका दिल जीत लेते हैं, राइट, बिकॉज इनका हार्ट चक्र बहुत पावरफुल है। सो यस, तो ये था आपके लिए ये वाला ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके, अगला ऑप्शन है ये, अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो लेट्स सी विथ दिस। अब अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो ये जो पर्सनालिटी होने वाली है ये लड़की अगर होगी तो लड़की बहुत ही सी, लड़का या लड़की जो भी है ये बहुत आलसी किस्म के होंगे, और सी आलसी अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपको बुरा लगे, ओ माय गॉड मेरा पार्टनर आलसी, मुझे आलसी इंसान नहीं चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान आलसी है तो वो कुछ उस तरह से काम करना पसंद करेगा कि वो सबसे छोटे से छोटा रास्ता, सबसे जल्दी से जल्दी रास्ता वो ढूंढेगा या ढूंढेगी वो काम को खत्म करने के लिए, राइट, तो वो क्विकेस्ट पाथ ढूंढेंगे काम खत्म करने के लिए, ये कुछ ऐसा इंसान है, और वो क्विकेस्ट पाथ ढूंढने में वो शायद थोड़ा बहुत रिस्की भी अगर है तो फिर भी वो रिस्क लेना भी पसंद करेंगे, राइट, लड़कियों को और जो भी है वो आराम करना बहुत पसंद करते हैं, सोना बहुत पसंद करते हैं, और इसकी वजह से लड़कियां जो है वो नॉर्मल बॉडी टाइप की हो सकती है, और लड़के जो है वो लड़के लड़कियां जो भी है थोड़ा बॉडी में हैवी साइड पे भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम इनके बाल नॉर्मल लेंथ वाले होंगे अगर लड़कियां हैं तो, अगर लड़की है तो, अगर लड़का है तो, लड़का है तो उसके बाल या तो वो इतना केयरलेस हो सकता है कि वो अपने बाल लंबे भी रख सकता है, कभी 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 कभार बाल कटवाना भी उसको आलसी उसको महसूस होता है, और कई बार उसको इतनी ज्यादा आलस होती है कि बार बार बाल कटवाने के झंझट में ना फंसना उसकी वजह से वो पूरा उसके सारे बाल भी निकलवा सकता है, राइट, तो ये भी एक है ऑप्शन। और उसके बाद आपको एक बात बोलूंगी, ये ऑप्शन का जो इंसान है वो कई बार आंख बंद करके भी डिसीजंस लेता है, कई बार बिल्कुल केयरलेसली भी डिसीजंस लेते हैं, सो यू हैव टू नो दैट। एंड उसके बाद आपको एक बात बताऊं कि ये अपनी लाइफ को इम्बैलेंस करके भी अगर कोई काम जल्दी कर खत्म कर सकते हैं देन दे विल वॉन्ट कि वो कुछ ऐसे खत्म करें। ओके, और उसके बाद इनकी जैसी हैबिट्स है, ये जो ऑप्शन का इंसान है इनकी जो हैबिट्स है कि ये बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं, काम जल्दी जल्दी करते हैं और केयरलेस भी हो सकते हैं, रिस्क भी ले सकते हैं, तो इसकी वजह से इनको ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि इनके बैक में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बैक में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनको बैक में मसाज करवाना इनको अच्छा लग सकता है, तो यस दैट इज देयर ऑप्शन। और उसके बाद इनको केयरफुल रहना है उनके या जैसे मैंने बताया कि रिस्क लेने की वजह से उनके बैक में इश्यूज हो सकते हैं, तो रिस्क अगर कम लेते हैं तो थोड़े बहुत उनके बैक के इश्यूज से वो बचे रह सकते हैं। ओके, सो दैट इज द ऑप्शन फॉर देम। और उसके बाद चलिए आखिरी ऑप्शन देखते हैं। यहां पर क्या बता रहा है कि व्हाट इज द थिंग गोइंग ऑन। अब इस ऑप्शन में जो इंसान है, अब अगर ये लड़का या लड़की, हम कोई भी ऑप्शन देख सकते हैं बिकॉज ये डेफिनेटली यूनिसेक्स रीडिंग है, तो जो लड़की होगी आपको एक बात बताऊं, ये ग्रुप के जो लड़के होंगे
वो बहुत ज्यादा अपने बाल नॉर्मली रखना पसंद करते हैं, ज्यादा लंबे नहीं, ज्यादा छोटे नहीं। लड़कियां जो है अगर ज्यादा घर के बाहर रहना पसी, आपको एक बात बताऊं, बॉटम लाइन की एक बात है कि ये ज्यादा घर में रहने वाले लोग नहीं है, इनको हर बार घर के बाहर बाहर खुली हवा में उनको रहना अच्छा लगता है। ओके, और जितना इनसे पॉसिबल हो वो बाहर खुली हवा में रहते हैं, जितना पॉसिबल हो वो बाहर ही घूमते रहते हैं। और उसके बाद अगर लड़की है बहुत एडवेंचरस भी हो सकते हैं, और लड़की जो बहुत ज्यादा बाहर घूमती है वो यूजुअली अपने बालों को छोटा रखना पसंद करती है। ओके, और अगर कोई लड़की है कि वो बहुत ज्यादा घर में रहना पसंद करती है, जैसे कि अगर उम्र में थोड़ी ज्यादा है तो वो घर में रहना पसंद करती है और उसके बाल नॉर्मल लेंथ के हो सकते हैं। ओके, और उसके अलावा सी अगर वो घर के अंदर रहे या घर के बाहर, लेकिन उसका घर भी कुछ इस तरह से होगा कि हमेशा बहुत ज्यादा हवा और बहुत ज्यादा प्रकाश उसके घर में आए, कुछ उस तरह का एटमोस्फियर उनको अच्छा लगता है। उसके बाद आपको एक बात बताऊं कि ये एथलेटिक बॉडी वाले हो सकते हैं, एथलेटिक बॉडी से लेकर थोड़े बहुत हैवी हो सकते हैं, और इतने ज्यादा ये जिम वाले लोग नहीं है, ये बाहर निकलकर वॉक पे जाना पसंद करते हैं, या बाहर निकलकर जॉगिंग पे जाना पसंद करते हैं, या फिर एडवेंचर्स लेना पसंद करते हैं। ओके, और उसके बाद एक और बात आपको बताऊं कि ये काफी ज्यादा ये फाइटर्स हो सकते हैं, एक तरह के फाइटर, कि किसी भी परिस्थिति में ये कभी भी गिव अप नहीं करते। ओके, सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट, कि कभी भी इनकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया कि बहुत ज्यादा मुश्किल आ गई है, लेकिन ये कभी भी गिव अप नहीं करना पसंद करेंगे। ओके, एंड एट द सेम टाइम ये फैमिली ओरिएंटेड भी है, लेकिन ये कुछ इस तरह से रहना पसंद करते हैं कि अपने फैमिली को भी वो बाहर घुमाकर लेकर जाना पसंद करते हैं। ओके, सो दैट इज देयर प्लस, अकेले हैं तो बहुत ज्यादा एडवेंचर पे जाएंगे, फैमिली के साथ है फिर भी खुली हवा में, दरिया किनारे और कुछ ऐसी खुली जगह पर घूमना पसंद करेंगे फैमिली के साथ भी। ओके, और अगर ये इंसान घर में रहते हैं, जब भी घर में रहते हैं तो इनके घर के अंदर भी अच्छे पेड़ पौधे, बगीचा जैसा घर में भी बनाया हुआ होगा, बिकॉज ये एक तरह के कुदरती वातावरण से बिल्कुल कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ओके, सो या तो ये था ऑप्शन, आपका आखिरी ऑप्शन, एंड आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और की मदद कर पाएगा तो जरूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।